समर्पयामि। वस्त्र में कलावे का टुकड़ा छोटा सा समर्पित करेंगे। ये ना भाई भाई मोली मोली समर्पयामि जेनियो समर्पयामि रोली लगाएंगे। अक्षतां समर्पयामि चावल चढ़ाएंगे। पुष्पाणि समर्पयामि पुष्प चढ़ाएंगे। धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि दर्शन यहाँ से कराई मन से। नैवेद्यम निवेदयामि मीठा चढ़ा दीजिए। आपकी थाली में मिश्री होगी। आप बेटे सब पूजन कर लेते हो मेरे पास टीका सा लगा बस बस दुख भय से मोक्ष कर दो द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। आइए छोटी सी गुरु वंदना से आज के कार्यक्रम का परम पूज्य गुरुदेव की जय। अब इसके बाद चल रहा है दीप प्रज्वलन के लिए हम बुलाएंगे तब आप आइएगा। ध्यान से सुनेंगे और उसी के माध्यम से अपने कार्य को करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम गुरु और ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए दोनों हाथ जोड़े और भगवान का ध्यान करें। जिस इष्ट को जिस आराध्य को आप जानते हैं आप उनका ध्यान करके और एक बार गुरु वंदना का शुभारंभ करें। खाने के लिए काम आएंगे, किसी गरीब की मदद करने के लिए काम आएंगे और पैर गलत दिशा में चलते रहिए। पूरा हमने वंदन किए एक तरीके से हमें विज्ञान किए का पूरा और इस विज्ञान को हमको जीवन में धारण करना चाहिए कि हम ऐसे जय श्री जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि दाता। करने की व्यवस्थाएं हैं तो आपके पैसे का वहाँ पे सदुपयोग होता है। उसी पैसे से शांतिपुर बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और उसी पैसों से 108 कुंडी यज्ञ हो रहे। तो हमारा पैसा तो डूब गिर रहा है। बिल्कुल बढ़िया, जो आपने दान किया वो आपका असंख्य गुना फलीभूत हो रहा है भगवान के खेत में, ये मान लो आप। तो ये दान भी सही जगह होना चाहिए। दान अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है जहाँ दान दिया है वो ठीक जगह गया है, इसलिए आप निसंकोच होकर वहाँ दे सकते हो। ये यज्ञ का विज्ञान है, जो आपने बोया तो वो आपको सातों हाथ मिल जाएगा। सब श्रद्धा से यज्ञ करेंगे तो हाथों हाथ परिणाम इसका मिल जाएगा। अब सभी लोग माँ धरती का पूजन करें। थोड़ा थोड़ा जल धरती माँ पे छोड़े और मुख्य यजमान रोली चावल फूल चढ़ा करके राइट हैंड के पांचों उंगलियों का संपुट बना करके उसमें गीला करेंगे और लेफ्ट टू राइट जिन जिन अंगों को बोलेंगे आप स्पर्श करते चलेंगे। ओम वांग में आशेस्तु मुख को लेफ्ट टू राइट। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को।
कानों में श्रोत्र मस्त दोनों कानों को धृतिः गोष्ठिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशैनाधिकानीता वृद्धा पूजा च षोडश कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती मङ्गल्ये शुभपूजाश्च सप्तमाबलम् पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपालनारिकान् अस्यागस्य सिद्धर्थम् पूजया राधितान् मया मस्तक से लगाएं और स्वास्थ्य बनी प्लेट आपके पास हो देव शक्तियों को नमन करेंगे दोनों हाथ जोड़े आप सबको पूरे उत्साह के साथ में नमः बोलना ठीक है मस्तक झुका के नमः सबको बोलें दोनों हाथ जोड़े और हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे नमः सबका ओम सिद्धि प्रभु नमः आप अपना स्थान ग्रहण कर लें अब ज्योत पूजन के लिए ज्योति पूजन के लिए दीपक पूजन के लिए श्रीमती मंजू गुप्ता जी श्री दिनेश गुप्ता जी चंद्रकला जी श्री नरेश दलाल जी और शांता मौर्य जी कृपया आए और दीपक देवता का पूजन करें ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा देवा वाहनम अब गुरुदेव माता जी के पूजन के लिए शांता दीदी जैकोब बाल्टी भाई साहब और शैलजा और अंजू गुप्ता जी कृपया आ जाएं गुरु पूजन के लिए आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें आइए भाई साहब नहीं आप थोड़े से गुरु होते हैं गुरु जो हमें मार्ग दिखाते हैं भगवान तक ले जाने का तो गुरु का पूजन करेंगे तो दोनों हाथ जोड़े गुरुदेव माता जी का ध्यान करें ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत् नालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसर्गाये श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि अब माँ गायत्री के पूजन के लिए हमारी बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए हमारी शिखा में दिव्य तेज की वृद्धि हो ऐसा हम भाव करेंगे पांचों उंगलियों को राइट हैंड के उसमें गीला करेंगे और सिर पे रखेंगे जहाँ हमारी चोटी होती है ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मदे तेजो वृद्धि पुरुष में जल को माँ धरती पे समर्पित कर दीजिए दोनों सिरे घी में डुबोएंगे और स्वाहा के साथ यज्ञ कुंड में समर्पित करेंगे और धर्मपति अजरानंद राशि जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की
दिशा है प्रणव महाप्रणव महामहिमी महि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदम् नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय इदम् नमः ॐ भूः स्वाहा इदम् वायवे इदम् नमः स्वाहास्ते पृथिवी देवयजनि प्रस्ते अग्नि मन्नाद मन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा मासादयादिह दोनों हाथ जोड़े अग्नि देवता को प्रणाम करें ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अब आपको हवन कुंड के अंदर तो केवल मीठा छोड़ना है और कुंड की जो तीन मेखलाएं हैं ब्लैक रेड और व्हाइट के ऊपर आपने तिलक लगा करके थोड़े थोड़े चावल फूल चढ़ाने हैं और हवन कुंड को प्रणाम करना है, क्योंकि अग्नि देवता अब इसमें आ चुके हैं। तो आप अच्छे से इसमें समीधा लगा लीजिए और अच्छे से इसमें अपना घी डालिए ताकि आपकी अग्नि बढ़िया से प्रज्वलित हो जाए। आइए भगवान यज्ञ कर्म समारभे शुभ कर्म समारभे। बैठ जाइए आप सभी। अब दीदी यहाँ चारों दिशाएं ऊपर और नीचे 10 दिशाएं, ठीक है। सबसे पहले पूर्व दिशा, पूर्व दिशा आपने देख लिया, आपने पूर्व के हिसाब से लगाया, ठीक है। इधर सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नियं गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यां हिमेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो यदोन्नतश्च रक्षतु अनुक्तमपि अस्थानं रक्षत्वे सोममादृति। कोपले और ले लीजिए। अपसरपन्तु ते भूता ये समर्पित कर दीजिए। प्राणायाम। अब प्राणायाम के लिए सभी लोग कमर गर्दन सीधे करके बैठ जाएं। आप लोग सब एक बार हाथ खड़ा करके ये बताएं कि कितने लोग नियमित रूप से ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात। अब आपको आचमन स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीप प्रज्वलित हो गया है, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मल मिलता है सब तीर्थ का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जन्म जन्म भर शरण तुम्हारी आए हैं। हम जन्म जन्म आए तब शरण तुम्हारी आए हैं। हम भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में
हमारे सामग्री सबके पास पहुँच गया, आपको घी डालते रहना, इधर दे दीजिए, आप मुड़ते बैठो बाबू जी, जो विशेष बात है आप डाल लेते हैं कभी घर अखंड मंडला परम नयनम येन चराचरम सर्वदम दर्शितम येनात्मनः श्री गुरवे नमः मातृवत्सलयती च पितृवत्सलदर्शिका नमोऽस्तु गुरुचरणाय माँ गायत्री के पूजन के लिए श्रीमती पूर्णिमा जी, उमेश अग्रवाल जी, सरोज बंसल जी, श्रीनाथ बंसल अभिनंदन करें। हमारी डालेश्वरी दीदी की बिटिया प्रज्ञा शर्मा का जन्मदिन है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति, निरोग जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुति महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीय मां पिता स्वाहा। चलते हो थोड़ा सा संपूर्ण स्यादिति श्रुति। चलिए अब यज्ञ रूप प्रभो हम आपरे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे। उनके बीच में हम अपने गुरुदेव की झलकी देखते हैं कि वही कार्य कर रहे हैं। शत शत नमन माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग की ओर से सभी बहन भाइयों का शत शत नमन, हार्दिक स्वागत। कृपया छोटे से हम एक फॉर्मेलिटी तो नहीं कह सकते, दिल से आभार व्यक्त करने के लिए कृपया सभी मेंबर जो भी हमारे भाई बहन शांति कुंज से आए हुए हैं वो आगे आ जाएं, कृपया आगे आ जाएं, फिर अपने अपने कार्य अपने अपने स्टॉल पर चले जाएं। एक बार आगे आ जाएं। डोली भी अपना स्थान ग्रहण करें। को सद ज्ञान कब मिला है,
सतगुरु बिना किसी को सत ज्ञान कब मिला है, सतगुरु बिना किसी को सत ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है, सदगुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है, सदगुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है। जगवंद अर्चिता है, गुरु ही परम हितैषी जगवंद अर्चिता है, जगवंद अर्चिता है। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है, गुरु से सदगुरु बिना किसी को सद ज्ञान कब मिला है। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी आए हैं, हम जन्म जन्म परिमाए हैं, जब शरण तुम्हारी आए हैं, हम भूले भटके के जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों के दुखड़े मिटाते हो तुम ऋषि देव कहलाते हो, दुखियों हो सब आवागमन मिटाते हो, हे मोक्ष तुम्हारे चरणों में, सब आवागमन मिटाते हो, हे मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक दर्शन पाता है वह तेरा ही हो जाता है, एक बार जो दर्शन पाता है वह तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी माया है हे नाथ तुम्हारे चरणों में, क्या गुप्त तुम्हारी माया नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम छोटे छोटे बच्चे हैं क्या जाने तेरी लीला को, हम छोटे छोटे बच्चे हैं क्या जाने तेरी लीला को। रख देना सिर पर हाथ प्रभु रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रख देना सिर पर हाथ प्रभु रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
देता है सब तीर्थ का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है ये और भी बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए भी सबको सारे भारतवासियों को बधाई, खूब खूब बधाई। देश में इतनी बड़ी खुशी आई है और साथ ही में जो हम परिजन हैं उन सभी के चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट होगी जैसे हमारे कुछ अपना कुछ हमको कुछ मिल गया, हमारा कुछ बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि हम अपने देश के साथ बहुत प्यार करते हैं, अपने देश के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है, हमारी सद्भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब देश और राष्ट्र तरक्की करता तो हम सब भी तरक्की करते हैं उसी के माध्यम से। और जो देश है उसमें रहने वाले सभी देशवासियों का एक सबसे बड़ा कर्तव्य क्या बनता है कि हमको सारी जिम्मेदारी सरकारों पर भी नहीं छोड़नी चाहिए कि ये काम भी सरकार करेगी तो वो काम भी सरकार करेगी तो वो भी। हमको बस ये देखना चाहिए कि हम इस देश को बढ़ाने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। आप लोग सब बैठ जाइए कृपया, कोई खड़े मत रहिए क्योंकि फिर इसे डिस्टर्बेंस होता है। इतनी महत्वपूर्ण बात के लिए हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और बातें भी नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, स्तुता मया वरदा, मेरे द्वारा स्तुति की गई वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी, मतलब आप इतनी पवित्र हैं और इतनी दिव्य जगह पर हमको लेके जाती, द्विजा नाम हमको द्विज बनाती मतलब ब्राह्मण बनाती है, आयु प्राणम आयु देती हैं आप, गायत्री साधना से आयु मिलती है, प्राणम प्राण मिलता है, प्रजाम प्रजा का संग की सब लोग गाइए, राधा रानी मंडल की सभी बहने तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, सत्संग की तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का। गायत्री मंत्र बोलेंगे, आवाज नहीं जा रही। ओम गुरुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्यारे भाइयों और बहनों, नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ में, अच्छा पीछे आवाज़ नहीं जा रही, आ रही है, किसको सुनाई नहीं दे रही, कोई कह रही है? अच्छा, वो अंकल हाथ उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई साहब, एक बार खोल और खोल के देख लो, आवाज़ खुल जाती है तो। आइए यज्ञ की शुरुआत करते हैं, नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ, और इस यज्ञ के माध्यम से आप सभी के संकल्प की पूर्णा होती, जिसको आप सभी बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, बड़े प्रेम से, कथा के माध्यम से, एकादशी पूजन के माध्यम से और विभिन्न प्रकार से अपनी श्रद्धा भावना के साथ इसको करते आए हैं। तो आइए उसी श्रद्धा भाव को ध्यान में रखते हुए इस यज्ञ का शुभारंभ करें। अच्छा, और साथ ही में 125,000 गायत्री मंत्र का जाप भी इसमें हुआ है, तो इसमें आहुतियाँ भी आज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी हमें भी, क्योंकि 125,000 गायत्री जप भी हुआ है। ये अपने आप में सोने पे सुहागे का काम करता है। 125,000 का मतलब
जानते हैं आप कितनी बड़ी पावर आपने इकट्ठी की है, कितनी बड़ी ऊर्जा। आप सभी शक्ति स्वरूपा माताएं हैं जिनके माध्यम से इतना बड़ा धर्म अनुष्ठान संपन्न हुआ है। आप सबको बताएं कि आज समाज में इतनी ज्यादा विभीषिकाएं फैली हुई हैं, इतनी परेशानियां फैली हुई हैं, लोग चारों तरफ से परेशान। सब भगवान की, सब संतों की जय। आइए दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं आदरणीय शांता दीदी और भाई साहब को, कृपया आए और देव मंच पर स्थापित दीप को प्रज्वलित करें और ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए दोनों हाथ जोड़ें और भगवान का ध्यान करें। जिस इष्ट को, जिस आराध्य को आप मानते हैं, आप उनका ध्यान करके और एक बार गुरु वंदना का शुभारंभ करें। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। आइए एक छोटी सी गुरु वंदना से आज के कार्यक्रम का शुरुआत करें। जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए दीप प्रज्वलित हो गया है आज के कार्य। गुरु बिना किसी को सदिया सदी, गुरु बिना किसी को सदिया गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सद्ज्ञान कब मिला है, सद्ज्ञान कब मिला है। बोली परम पूज्य गुरुदेव की। महावोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजुस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। ये जो न्यास है और ये हमने जो अभी तक षट कर्म किया है, ये पूरा विज्ञान सम्मत है। मतलब जो यज्ञ है वो पूरा साइंटिफिक है हमारा। जैसे कि हमने पहले पवित्र किया अपने आप को, कि मतलब हमको पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है यज्ञ के प्रयोग में आने से पहले भी। फिर हमने आचमन किया, हे भगवान हम एक घंटा आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं तो हम मन वाणी अंतःकरण से शुद्ध हो, हमारी मस्तिष्क में अच्छे विचार प्रवेश करें। आपके मंडल की जो बहनें हैं, हमारी राधा रानी मंडल की जो बहनें हैं, वो पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं और उनको सहयोग करने वाले उनके पतिदेव भी बधाई के पात्र हैं, उनके परिवार के सदस्य भी बधाई के पात्र हैं। कारण ये है कि आपने अपनी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया, आपने उन संस्कारों को अपने अंदर भी बीजारोपित किया और अपनी पीढ़ी को भी आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो बच्चा आता है माँ के पेट में, तो उसकी नींव उस वक्त नहीं रखी जाती जिस वक्त वो आता है, वो 100 वर्ष पहले से उसकी नींव पड़ जाती है। अगर आप श्री रामचंद्र जी के कुल के आप पूर्वजों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार राजा दिलीप से लेकर के और भागीरथ जैसे तपस्वी उनके कुल में आए, फिर श्री राम का जन्म हुआ और अनेकों जन्मों के पुण्य के
प्रचार के माध्यम से ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके माध्यम से जो हमने चीज़ें एकत्रित की वो हमने अपने सद्भाव के लिए भी, अपने सद्ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी, और साथ ही राष्ट्र के कल्याण के लिए, क्योंकि हम लोग ये जान गए हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और हम दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के समय की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जैसे 125,000 गायत्री मंत्र का जाप आपने अपने मंडल के माध्यम संपूर्ण किया, तो इसकी महिमा बहुत अपरंपार है। इतनी अपरंपार है कि आपका नाम सैकड़ों वर्षों के लिए सोने के अक्षरों में लिख दिया गया है। इतना बड़ा आप लोगों ने काम किया है, 125,000 का जप करना मतलब छोटी बात नहीं है। और ये पुण्य जो है, जो आप लोगों ने इस खेत में बोया है, ये फसल के रूप में जब उगेगा तब आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कोई चीज़ हमने ज़िंदगी में जब बोते हैं ना, अब देखो किसान अब बोएंगे खेतों में, जब गेहूं बोएंगे, जब वो फसल बन के लहलाएगी, सरसों बोएंगे तो पीले पीले फूल उसके खिलेंगे, तो माँ धरती का श्रृंगार हो जाता है। ऐसे सद्गुणों की फसल है ये जो आपने बीजारोपित की है गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से। और गायत्री कौन है? गायत्री सद्भाव की, सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। सद्भाव कैसे? कि जो गायत्री साधना करेगा वो हमेशा अच्छे भाव रखेगा, सबका भला सोचेगा, पहले दूसरों का भला सोचेगा फिर अपना भला सोचेगा। इसलिए ये गायत्री परिवार की हमने उनसे बात करी थी कि आप आइए, और बहनों ने आपको बुलाया है, माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग के सभी सदस्यों ने, तो उन्होंने कोई आवश्यक कार्य की वजह से अपनी असमर्थता जताई और कहा मेरा स्नेह और गुरुदेव के आशीर्वाद सब आप सबके साथ है, वो कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों से मिलने ज़रूर आएंगे। तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आइए यज्ञ शुरू करते हैं। अब हमको जो पहला स्टेप करना है, जोड़े से जो परिजन बैठे हुए हैं उसमें से एक परिजन हाथ में फूल ले लेंगे साबुत। अब आपने जिंदगी भर गायत्री उपासना करी है तो जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम जो सत्य है वो यही है कि हमको वहाँ जाना है, और वहाँ जा कर के जो हमारी 5 विशेष चीज़ें हैं, दया, प्रेम, करुणा, ममता और उदारता के 5 गुणों को अपने साथ लेकर के जाना अपने जीवन में। सब पर दया करें हम, गलत करने वालों पे भी, सही करने वाले, भगवान महाकाल जैसे बन जाए, शिव के जैसे। शिव की बारात में सारे सम्मिलित होते हैं ना, भूत प्रेत भी है, सांप बिच्छू भी है, तो ऐसे ही गुरुदेव महाकाल है, उनकी बारात में हर तरह के लोग मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, अच्छा सोचने वाले भी, बुरा सोचने वाले, लेकिन है तो महाकाल के। अब जैसे जब सुधरेंगे भाई, इतने जल्दी तो कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को सुधारने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान महाकाल के जैसे बन जाइए, सबको साथ लेके चलना है, कोई कैसे भाई हो, क्योंकि आप किसी को ढूंढने जाएंगे कि कोई अच्छा मिले तो नहीं ढूंढ सकते। सब में अच्छाइयाँ भी हैं, सब में बुराइयाँ भी हैं, दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं, और उसी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है, सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, गुरुपार ब्रह्म ईश्वर गुरु ही परम पिता है, गुरु ही परम हितैषी जगवंद अर्चिता है, गुरु ही परम हितैषी जगवंद अर्चिता है, जगवंद। हमें भीतर और बाहर से तेजोमय बना रही है, हमारा रोम रोम कण कण भगवान सूर्य के तेज से प्रकाशित हो रहा है, हम भीतर बाहर से तेजोमय हो रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो चोदया। ओम अज्ञानी
निरान्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भाइयों और बहनों, नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ में, अच्छा पीछे आवाज नहीं जा रही, आ रही है, चारों तरफ जो जो समान यज्ञ के प्रयोग में आया है उसके ऊपर जल छिड़केंगे, भावना करेंगे सभी इस वस्तु के शुभ संस्कार जागृत हो रहे हैं, ये सारी वस्तुएं यज्ञ में संपर्क में आने से पहले शुद्ध और पवित्र हो रही है। पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमा। अब खड़े होके करने का क्रम है, खड़े ही रहिए दीदी। थोड़े से चावल और फूल लेफ्ट हैंड में ले लेंगे सभी लोग। एक परिजन खड़े हो जाएंगे एक कुंड से, एक कुंड से केवल एक व्यक्ति खड़े हो करके, या हमारे उपाचार्य जो बहने वे खड़ी हो जाएंगे, हमारी जो बहने हैं जो एक कुंड पे एक बैठी हुई है वो खड़ी हो जाएंगी और अक्षत पुष्प लेकर के सभी के ऊपर थोड़ी थोड़ी अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगी। मंगलाचरणम् ओम भद्रम करणे शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भीर्य जत्राः बैठ जाइए। अब सबको क्या करना है, पवित्रीकरण करना है, तो लेफ्ट हैंड में जल ले लेंगे, आपके चारों तरफ आचमनी और चम्मच रखा हुआ है, राइट हैंड से उसको ढक लेंगे, जब मंत्र समाप्त हो जाए तो उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेंगे और भावना करेंगे कि हम भीतर बाहर से पवित्र हो रही हूँ। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब आपको आचमन करना है, मतलब तीन बार जल पीना है आपको, राइट हैंड में जल लेंगे और जैसे ही हम स्वाहा बोले आप जल को पियेंगे, पर भावना से पियेंगे। भाव क्या करेंगे कि हमारा मन, हमारी वाणी और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। आइए भाई साहब अंदर आ जाइए, आप लोग बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आइए। ओम अमृतो देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो बंधन। देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता हे योगियों के धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम ओं भूर्भुवः स्वः कसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम ओं भूर्भुवः स्वः कसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ओं भूदेव सविता पावन बना दो हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे योगियों के मही धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वः